चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है दरबार मूव और जम्मू कश्मीर। शीर्षक से ही आप सभी को पता चल गया होगा कि आज का हमारा विषय जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आज के इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, दरबार मूव क्या होता है, ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं और इसका इतिहास क्या है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये विषय चर्चा में क्यों है। जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक क्षेत्र में ये परंपरा है, 148 साल पुरानी परंपरा है जो 1872 से चली आ रही है। इस परंपरा में अभी बदलाव हुआ है। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा अब पेपरलेस हो जाएगी, इस वजह से ये चर्चा में है। तो इस परंपरा के पेपरलेस होने की वजह से, जो कि जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक विभाग से संबंधित है, इस वजह से ये चर्चा में है। इसको हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। विस्तार से देखने से पहले मैं आपको थोड़े शब्दों में बता दूं कि दरबार मूव का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, गर्मियों के लिए अलग, सर्दियों के लिए अलग, और दोनों राजधानियों में 6-6 महीने वहाँ का प्रशासन काम करता है और एक दरबार से दूसरे दरबार में स्थानांतरण जो होता है उसी को दरबार मूव कहा जाता है। ये अपने आप में विशेष है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में ही होता है, इसके अलावा भारत में ये नहीं होता है। तो दरबार मूव के तहत आने वाले जितने भी विभाग हैं वो 15 अप्रैल तक जो है ई ऑफिस में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि ये काम सारा इनका पेपरलेस होने लगेगा। जम्मू से श्रीनगर दरबार मूव के दौरान इस बार ज़्यादातर सरकारी रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल माध्यम से ही जाएंगे, और इस बार जो जितनी भी फाइलें हैं वो सारी की सारी वो फाइलें ही जा पाएंगी, जो संवेदनशील फाइलें हैं या दस्तावेज़ हैं इन्हीं को ट्रकों में भेजकर वहां ले जाने का फैसला किया गया है। बाकी सारी फाइलों को जो है ई रिकॉर्ड के माध्यम से सुरक्षित कर दिया गया है। जहां पहले जहां 180 ट्रक ये काम किया करते थे, इस बार सिर्फ 10 ही ट्रक इसमें जाएंगे और सिर्फ संवेदनशील फाइलें ही इनमें जाएगी। संवेदनशील फाइलें वो हैं जिनका सरकार चाहती है कि डिजिटल रिकॉर्ड ना हो, वो सुरक्षित रहे, जिनको स्कैन ना किया जा सके, तो वो फाइलें ही जा पाएंगी। डिजिटल माध्यम से ज़्यादा रिकॉर्ड श्रीनगर जाने से जम्मू में मूल फाइलों एवं दस्तावेज के रखरखाव के लिए कुछ व्यवस्था की गई है जिसके तहत वहाँ कर्मचारी रहेंगे। इसके अलावा यहाँ के जो सरकारी विभाग हैं उनके जो निदेशक हैं वो जम्मू में फाइलों और रिकॉर्डों के रखरखाव का काम भी करेंगे। जम्मू में 30 अप्रैल तक दरबार बंद हो जाएगा और उसके बाद जो है श्रीनगर में 10 मई से दरबार खुल जाएगा, यानी कि वहाँ प्रशासनिक काम शुरू हो जाएगा, नई व्यवस्था के तहत ये सारा काम शुरू हो जाएगा। तो ये तो है कि ये चर्चा में क्यों है, लेकिन ये बहुत ही अपने आप में विशेष है कि आखिर ये प्रक्रिया पूरी होती क्या है, दरबार मूव कहते किसको हैं। अगर विस्तार से हम बात करें तो दरबार मूव एक सदी पुरानी प्रथा है जिसमें राज्य सरकार, अब जो कि केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर राज्य सरकार, जो यहाँ की दो राजधानियाँ हैं श्रीनगर और जम्मू, वहाँ अपनी राजधानियों में 6-6 महीने तक काम करती है। अब ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जम्मू और कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और यहाँ पर दो कैपिटल है, एक को विंटर कैपिटल कहा जाता है और दूसरी जो है यहाँ की समर कैपिटल है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मी के टाइम में राजधानी श्रीनगर शिफ्ट हो जाती है और सर्दियों के टाइम में राजधानी जो है जम्मू में शिफ्ट हो जाती है। जो अभी गर्मियों के अंदर वहाँ शिफ्टिंग का टाइम पीरियड है वो है कि श्रीनगर के अंदर राजधानी मई से अक्टूबर तक रहती है, जो कि वहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी कही जाती है, और शीतकालीन राजधानी जो कि जम्मू है वो नवंबर से अप्रैल तक रहती है। ये जो सारा मूवमेंट होता है, ये जो मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह का, इसी को ही दरबार मूव कहा जाता है। दरबार मूव के तहत सभी प्रशासनिक सचिवों से लेकर इससे जुड़े करीब 10,000 कर्मचारी जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट होते हैं और अगले 6 महीनों में श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट होते हैं। इस शिफ्टिंग में कई ट्रकों में फाइलें जाती हैं, कंप्यूटर, फर्नीचर, कर्मचारी सभी जाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 5 करोड़ तक का खर्च भी आता है। अब ये खर्च भी कम हो जाएगा क्योंकि चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। जहाँ 180 ट्रक जाया करते थे वहाँ अब ये काम सिर्फ 10 ट्रक से ही
हो जाएगा। तो ये जो फैसला लिया गया है कि चीज़ों को डिजिटलाइज करने का, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि दरबार मूव का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, चीज़ों को पेपरलेस बना दिया जाए और ई ऑफिस के माध्यम से काम किया जाए, इससे क्या होगा कि खर्चा कम आएगा और इससे सरकारी रिकॉर्ड शिफ्ट करने पर होने वाला जो दबाव है वो भी कम हो जाएगा। सिर्फ खर्चा ही नहीं, जब आप चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं तो चीज़ों के गायब होने, उनके क्षतिग्रस्त होने का वो खतरा रहता है, वो सारा कम हो जाएगा। इस वजह से, इस कारण से ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरण पहली बार पेपरलेस हो रहा है। ये जो है दरबार मूव पेपरलेस हो रहा है, इससे प्रदेश सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए की बचत होगी। इसके अलावा ट्रकों के माध्यम से इधर उधर ले जाने में जो मानव हानि और आर्थिक हानि और उसके अलावा जो सामग्री है उसकी हानि होने का, क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है, वो भी कम हो जाएगा। तो इस कारण से ये फैसला लिया गया है। कहा जा सकता है कि ये फैसला समय की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रथा के इतिहास पे। ये प्रथा 19वीं शताब्दी के अंत से चलती आ रही है। जम्मू कश्मीर के महाराजा थे रणबीर सिंह, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी 1872 में। ये महाराजा रणजीत सिंह जम्मू कश्मीर के जो संस्थापक थे, राजा गुलाब सिंह के तीसरे बेटे थे और राजा गर्मियों में अपनी राजधानी श्रीनगर में रखते थे और सर्दियों में अपनी राजधानी को जम्मू में रखते थे ताकि उस समय के हिसाब से उस मौसम के अनुकूल स्थान पर रहा जा सके। इस वजह से उन्होंने ये फैसला किया था और तभी से लेके आज तक ये चीज़ चलती आ रही है। इसके साथ ही इस टॉपिक पर हमने लगभग सभी बातें कर ली है। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न है, दरबार मूव से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इसे 19वीं शताब्दी के अंत में जम्मू और कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था। कथन दो, यह व्यवस्था 1872 में शुरू हुई है, उपरोक्त में से सत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा, आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। अब हम देख लेते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछला जो प्रश्न था चिनाब आर्क ब्रिज से संबंधित था और आपसे पूछा गया था कि इसमें सत्य कथन कौन सा है। सत्य कथन इसमें केवल एक है, दूसरा वाला कथन गलत है। यह भारत में उच्चतम तीव्रता वाले जोन 5 के भूकंप बलों को सहन करने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। हमारे इस वीडियो और अन्य वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर सभी PDF उपलब्ध हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।